बाबा साहब के विषय में हम जब सोचते हैं, हम में से बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि बाबा साहब को मंत्रिपरिषद से इस्तीफा देने की नौबत क्यों आई। या तो हमारे देश में इतिहास को दबोच दिया जाता है, या तो हमारे देश में इतिहास को डाइल्यूट किया जाता है या डाइवर्ट कर दिया जाता है, अपने अपने तरीके से होता है। हिंदू कोड बिल बाबा साहब की अध्यक्षता में इस काम चल रहा था और उस समय प्रारंभ में शासन के सभी मुखिया वगैरह सब इस बात में साथ दे रहे थे, लेकिन जब हिंदू कोड बिल पार्लियामेंट में आने की नौबत आई और महिलाओं को उसमें अधिकार देने का विषय जो था, संपत्ति में अधिकार, परिवार में अधिकार, महिलाओं को इक्वल राइट देने की व्यवस्था थी उसमें, क्योंकि बाबा साहब आंबेडकर किसी को भी वंचित, पीड़ित, शोषित देख ही नहीं सकते थे। और यह सिर्फ दलितों के लिए नहीं था, टाटा बिरला परिवार की महिलाओं के लिए भी था और दलित बेटी के लिए भी था। यह बाबा साहब का विजन देखिए। लेकिन उस समय की सरकार इस प्रोग्रेसिव बातों के सामने जब आवाज उठी तो टिक नहीं पाई, सरकार दब गई कि भारत में ऐसा कैसे हो सकता है कि महिलाओं को संपत्ति का अधिकार देंगे, वो तो बहू बनकर के कहीं चली जाती हैं तो फिर पता नहीं क्या हो जाएगा, समाज में कैसा बिखराव, ये सारे डर पैदा हुए। 500 प्रकार के लोगों ने अपना भय व्यक्त किया। ऐसे समय बाबा साहब को लगा कि अगर भारत की नारी को हक नहीं मिलता है तो फिर उस सरकार का बाबा साहब हिस्सा भी नहीं बन सकते, और उन्होंने सरकार छोड़ दी थी।